IndianTimesDaily.com में आपका फिर से स्वागत है और अमेरिका की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक सभा को संबोधित किया। जेटली ने कहा कि निवेश के मामले में मंत्रियों को पारदर्शिता नहीं बरतनी चाहिए और ये काम बाजार तंत्र पर छोड़ देना चाहिए, जबकि आने वाले वर्षों में दुनिया एक बड़ी और स्वच्छ भारतीय अर्थव्यवस्था की उम्मीद कर सकती है। शनिवार को करीब 3 बजे टेक्सास में भारत में जन्मी 3 साल की एक लड़की गायब हो गई। शिरीन मैथ्यूज को आखिरी बार उसके पिता ने देखा था क्योंकि उन्होंने डलास में अपने घर के बाहर एक गली के पास उसे एक पेड़ के पास खड़े रहने की सजा दी थी क्योंकि उसने दूध पूरा नहीं पिया था। सैन फ्रांसिस्को के नजदीक कई जिलों में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। सोनामा काउंटी में 155 से ज्यादा लोग लापता हैं, जबकि हजारों घरों में बिजली नहीं है। राष्ट्रपति की सलाहकार इवांका ट्रंप ने इमिग्रेशन पर कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस से आग्रह किया है और DACA प्रोग्राम द्वारा कवर किए गए अप्रवासियों के भाग्य के लिए बहुत ही जटिल मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि इसका एक स्थायी सुधार होना चाहिए और राष्ट्रपति स्तर पर इसे बंद नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हफ्ते बाद ओवरऑल ईरान स्ट्रैटेजी की घोषणा करेंगे। ट्रंप इस स्ट्रैटेजी के अंतिम निर्णय पर पहुंच गए हैं और वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इससे निपटने के लिए उनके पास एक व्यापक नीति है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की टिप्पणियों और अटकलों के चलते अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले US डॉलर में गिरावट आई है और अनुमान है कि टैक्स में सुधार की योजना से ये थमेगा। अपने 6 प्रमुख समकक्षों के मुकाबले में डॉलर इंडेक्स 0.45% की गिरावट के साथ 93.253 पर कारोबार कर रहा है। खबर मिली है कि उत्तर कोरिया के हैकर्स ने दक्षिण कोरिया से सैन्य दस्तावेजों के बड़े कैचे चोरी कर लिए हैं, जिसमें वॉशिंगटन सियोल वॉर टाइम ऑपरेशनल प्लान भी शामिल है। ओ प्लान 5015 एक नई योजना है जिसमें उत्तर कोरिया के प्रमुख का सिर काटने की विस्तृत प्रक्रिया शामिल है। IMF ने यूरोप, चाइना, जापान और अमेरिका में व्यापक वसूली के आधार पर 2017 और 2018 के लिए ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ा दिया है। IMF ने भविष्यवाणी की है कि 2017 में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2.2% और 2018 में 2.3% बढ़ने की संभावना है। टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने कैंपस में एक पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना सोमवार की रात को हुई जब छात्रों की भलाई के लिए जांच पड़ने के लिए कैंपस पुलिस को इस लड़के के कमरे से नशे का सामान मिला। वो मौके से भाग गया और कम से कम 1 घंटे तक गायब रहा। तुर्की के राष्ट्रपति ने तर्क दिया है कि अमेरिका के राजदूत को अंकारा के लिए ना तो उन्होंने और ना ही उनकी सरकार ने कोई मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि वो तुर्की में उन्हें अमेरिका के प्रतिनिधि के रूप में पसंद नहीं करते और कहा कि वो उनके विदाई समारोह को भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसी के साथ हमारा न्यूज बुलेटिन अब समाप्त होता है। आप इंडियन टाइम्स डेली पर लॉकडाउन रहें क्योंकि आगे हम लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड की खबरें। इसके अलावा आप इस पोर्टल पर अकाउंटिंग फर्म से लेकर वेडिंग प्लानर्स तक की सभी अमेरिकन बिजनेसेस और रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं। इंडियन टाइम्स डेली में हम सब चाहते हैं कि आपका आज का दिन शुभ एवं खुशगवार गुजरे।